प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 15 पर आ जाएं सब बच्चे। आखिरी प्रॉपर्टी जो देखनी है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट। स्प्लिटिंग ऑफ डिटरमिनेंट, हम डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? डिटरमिनेंट को स्प्लिट किया जा सकता है यूजिंग इट्स ओनली वन रो और वन कॉलम। डिटरमिनेंट को स्प्लिट किया जा सकता है यूजिंग इट्स ओनली वन रो और वन कॉलम। अंतिम प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है सुनो ध्यान से। डिटरमिनेंट पहले लिख देता हूं, कैन बी स्प्लिट एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स यूजिंग इट्स ओनली वन रो और वन कॉलम एंड कीपिंग रेस्ट ऑल सेम। आइए थोड़ा समझाऊं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब आप चुन लो, 6 6 चॉइस है, रो वन रो टू रो थ्री, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, जो मन चाहे चुनो, जो पसंद हो चुनो। मान लो आप बोलते हो गुरुजी हम तो कॉलम टू चुन लेते हैं, तो आप कॉलम टू को स्प्लिट कर दो, बाकी सारा सेम रहेगा। मान लो टू को लिख दें 1+1, 5 को लिख दें 8-3, 8 को लिख दें 4+4, जैसे मन चाहे स्प्लिट करो। एक रो या एक कॉलम को स्प्लिट करना होता है, तो ये बन जाएगा 1 4 7 3 6 1 प्लस 1 4 7 3 6 1, इधर आ जाएगा 1 8 4 1-3 4। ये लीजिए, आप ये स्प्लिटिंग ऑपरेशन कितनी बार भी लगा सकते हो, फिर स्प्लिट कर दो, फिर स्प्लिट कर दो, जितनी बार मन करे उतनी बार स्प्लिट करो। लेकिन किंतु एंड परंतु, हर स्प्लिटिंग में केवल एक रो या एक कॉलम ही स्प्लिट होगा, बाकी सारे रोज एंड कॉलम बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे। अच्छा, यहां पर ध्यान दें, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अरे कन्वर्स ट्रू होने का क्या मतलब है? कन्वर्स ट्रू होने का मतलब है अगर आपके आंखों के सामने दो डिटरमिनेंट आ जाएं, अगर आपके आंखों के सामने दो डिटरमिनेंट आ जाएं जिनमें केवल एक रो या एक कॉलम का अंतर हो। देखो इनकी दो रो सेम है, एक रो एक कॉलम का अंतर है, तो आप उनको जोड़ सकते हो। यहां पर आ जाएगा 1+1, यहां पर आ जाएगा 1+0, यहां पर आ जाएगा 2+1। कन्वर्स भी ट्रू है, यानी 1 2 3 4 5 6 2 1 3, बहुत सुंदर, ये आ गया निकल के। कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, अगर दो डिटरमिनेंट ऐसे हैं जिनमें केवल एक रो या एक कॉलम का अंतर है, बाकी सारे सेम हैं, तो जो डिफरेंट रो या कॉलम है उनको जोड़कर आप उन दोनों डिटरमिनेंट को जोड़ सकते हैं। अगर स्प्लिट कर सकते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। ये अगर इन दोनों के बराबर है तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। बस केवल एक लौती चीज का ध्यान रखना है कि स्प्लिटिंग के वक्त एक रो एक कॉलम को स्प्लिट करना है, बाकी सारे रो एंड कॉलम सेम रहने चाहिए। आओ क्वेश्चन लिस्ट पर कॉपी करिए। जैसे मान लो इसको स्प्लिट करना है 1 4 7 2 5 8, आओ कॉलम वन के अबाउट स्प्लिट कर लो। अब बाकी सारा तो एज इट इज रहेगा। अब कॉलम वन को जो मन चाहे लिखो, 2-1 लिख दो, 4 को 2+2 लिख दो, 7 को 10-3 लिख दो, कोई पाबंदी नहीं है, जैसे मन चाहे स्प्लिट करो। तो ये बन जाएगा 2 2 10 2 5 8 3 6 1 प्लस यहां आएगा -1 2-3 2 5 8 3 6 1। ये लीजिए, हो गया कॉलम वन के अबाउट स्प्लिट। कॉपी कर लें। क्वेश्चन अपन ने सीखा, आइए इसी स्प्लिटिंग ऑपरेशन पर बेस्ड एक सवाल लगाएं। सब बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है डी बराबर है एबीसी, डी इसके बराबर है एंड डी डैश आपको दिया गया है बी प्लस सी
और यहां पर सी प्लस है। ए प्लस बी, और हमको शो करना है, शो 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 डी डैश इक्वल टू टू डी। चलिए, वैसे तो इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे स्प्लिटिंग से। और प्लीज सब बच्चे ध्यान देंगे, डी डैश हमको गिवन है बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस। इसको स्प्लिट कर देते हैं कॉलम वन से, तो इधर बी ए सी आ जाएगा, इधर सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी आ जाएगा, इधर ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आ जाएगा, प्लस इधर सी बी ए आ जाएगा, इधर सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी आ जाएगा, इधर ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी आ जाएगा। फोटो खींच लें, क्योंकि अब मैं यहीं पर मैनिपुलेशन करूंगा। ये आ गया निकल के, फोटो खींच लें। अब यहां पर बी ए सी दिख रहा है और लास्ट में भी बी ए सी दिख रहा है, तो कॉलम थ्री गोज टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन। कॉलम थ्री में से कॉलम वन घटा दीजिए तो बी ए सी यहां से कट जाएगा। फिर यहां पर ए सी भी दिख रहा है, यहां ए सी भी दिख रहा है, तो कॉलम टू गोज टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। कॉलम टू में से कॉलम थ्री घटा दीजिए तो ए सी भी घट जाएगा। देखिए घट रहा है। अब मेरे को यह बनाना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। किन दोनों को? रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर दो। ऐसे इंटरचेंज का सिंबल होता है, यानी आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो रो वन और रो टू को इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर ए बी सी, बी सी ए और माइनस साइन के साथ आ जाएगा। फिर रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर दीजिए, तो रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर रहा हूं बी सी ए सी ए बी, और एक और माइनस निकल के प्लस बन जाएगा, तो ये डी ही निकल के आ गया। ये मैंने इसमें ऑपरेशन लगाया, आपको समझना है, सोचना है, ये आ गया निकल के। अब मैं यहां ऑपरेशन लगा रहा हूं, प्लीज लगे हाथों तो स्क्रीनशॉट लेते चले। यहां सी बी ए सी बी ए, तो कॉलम टू गोज टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो यहां सी बी ए कट गया कट गया कट गया। ए सी बी ए सी बी, तो कॉलम थ्री गोज टू कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू, तो कॉलम थ्री में से कॉलम टू घटा रहा हूं सॉरी ये आ गया। अब ए बी सी इधर है और सी ए बी ऊपर है, तो सबसे पहले रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज कर रहा हूं। जब रो वन और रो थ्री को इंटरचेंज करूंगा तो यहां माइनस साइन लग जाएगा, ए बी सी सी ए बी। फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा, रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर देंगे, तो रो टू और रो थ्री को इंटरचेंज कर देंगे तो एक और माइनस प्लस हो जाएगा, सी ए बी बी सी ए। अंधा बच्चा भी आज खुश हो गया है, डी प्लस डी टू डी टू डी टू डी टू डी टू डी। कॉपी कर लीजिए।